पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पावर ग्रिड आगरा को हरा भरा बनाए रखने के लिए लोगों ने संकल्प लिया एवं जिलाधिकारी श्री प्रभु नारायण सिंह द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि पावर ग्रिड आगरा में आज निशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। कैंप का शुभारम्भ आदरणीय जिलाधिकारी श्री प्रभु नारायण सिंह द्वारा किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में पावर ग्रिड के सभी कर्मचारी पारिवारिक सदस्य पावर ग्रिड में सेवा दे रहे हैं तथा सभी कामगार सहयोगी सदस्य सुरक्षा गार्ड व आसपास के ग्रामवासियों को कैंप में वैक्सीन लगाई जा रही है तथा एंटीजन टेस्ट भी किया गया। यह कैंप बरौली अहीर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अजय विक्रम की टीम के निर्देश में आयोजित किया गया। आज इस कैंप के आयोजन से पावर ग्रिड आगरा के सभी सदस्य एवं अन्य सदस्य वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन किशोर कुमार सोलंकी, मलखान मीणा रघुराज, अवनीश अमन वंसल एवं पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। ये आज हमने जो है वैक्सीनेशन कैंप जो आयोजित किया है, ये एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप है जो कि हमारे सभी स्टाफ पारिवारिक सदस्य और सपोर्टिंग स्टाफ हमारे उनको शामिल किया। इसमें आसपास के गाँव के शामिल आज इस कैंप के आयोजन से जो है हमारा पावर आगरा पूरा 100% 100% वैक्सीनेटेड हो जाएगा जो कि कोरोना मुक्त हो सकते हैं। और आज जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इस अवसर पर हमारे आदरणीय सीएम साहब ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वास्थ्य केंद्र करौली है उसके जो डॉक्टर साहब हैं अजय विक्रम साहब, उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर डीएम साहब के द्वारा हम लोगों ने शुभारंभ के साथ साथ उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के भी आयोजित किया। यहाँ जो 18 to 44 और 45+ जो दो कैटेगरी के वैकेंसी के कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज दोनों कैटेगरी का यहाँ स्पेशल कैंप लगाया गया था। MOIC बरौली और उनकी टीम यहाँ पे है, इसके साथ साथ आसपास के गांव वालों को भी बुलाया गया था। जो वैक्सीनेशन में अब इनफ डोज गवर्नमेंट ऑफ यूपी से मिल रहा है, अतः इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और रूरल एरियाज हैं, विशेष फोकस किया जा रहा है। उसके क्रम में आज यहाँ स्पेशल कैंप लगाया गया था। मुझे बताया गया कि यहाँ पर टोटल 90 इनके एम्प्लॉइज हैं, उनके फैमिली लोग हैं, वहाँ कैंप किया गया है। और इसके साथ ही इसको आउटरीच करते हुए आसपास के गाँव में वैक्सीनेशन से कार्यक्रम किया गया। सर, पावर ग्रिड में कब तक ये कैंप जारी रहेगा? यहाँ टोटल 90 एम्प्लॉइज़ हैं, तो 90 का आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। इसके बाद हम लोग जो बगल में हमारा CSC है, PSC है या फिर स्पेशल कैंप गाँव गाँव जाके भी करेंगे। रविशेखर सिंह है। आज पावर ग्रिड में किस तरह का वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया है? हम लोगों ने प्रयास किया कि सारे पावर ग्रिड के एम्प्लॉई, सारे जो हॉर्टिकल्चर, हाउसकीपिंग और गेस्ट हाउस के जो वर्कर्स हैं, सबकी वैक्सीनेशन आज हो जाए, 100% सब वैक्सीनेटेड हों। हमने प्रयास किया है कि आसपास के गाँव के भी लोग वैक्सीनेटेड हों जो कि पावर ग्रिड में आते हैं या हमारे गाँव के बगल, हमारे स्टेशन के बगल में हो। हमने प्रयासरत हैं कि सारे के सारे लोग वैक्सीनेटेड हों हमारे एरिया में, जिससे कि बिजली का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो और हम सब स्वस्थ रहें और सुखी रहें। कोविड से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, यही पावर ग्रिड की प्रयासरत है। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।